हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी दोस्तों को पूर्णिमा ब्लॉग चैनल में आप सभी दोस्तों को स्वागत है। तो दोस्तों देखिए, सुबह सुबह हम 3 बजे नहीं, रात भर हम सोए नहीं हैं। आज हमारे हस्बैंड जी को रात भर पेट में दर्द दे रहा था, इसी की वजह से वो नहीं सोए हैं, ना ही हम भी सोए हैं। तो 3 बजे सुया प्राय दूँ, फिर भी आराम नहीं हुआ है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पानी टंगाया हुआ है। अभी डॉक्टर साहब आए थे रात को, तो आए नहीं, ठंडी बहुत है इसलिए। और देखिए 2 बोतल पानी चढ़ा है। एक यहाँ पर देखिए आप लोग, कितना सुइया दवाई हुआ है। अभी डॉक्टर साहब चले गए यहाँ पर थे, तो मैं नहीं वीडियो बना रही थी, क्योंकि हम किसी के सामने वीडियो नहीं बनाते हैं इसलिए। तो दोस्तों आप लोग से बता देती हूँ, हमारे हस्बैंड जी यहाँ पर देखिए सोए हैं अभी, और दवा भी बहुत है, छोटा वाला यही था और बड़ा वाला वो है। 2 बोतल पानी चढ़ाए हैं। अभी भी पेट का दर्द ठीक नहीं है, अभी दर्द ही है। और 2 दिन के खाना खाएं, जैसे परसों एक रात खाना नहीं खाए हैं, एक ढोप नहीं खा रहे हैं पेट के दर्द से। यही बात से मैं बहुत परेशान हूँ और बहुत ज़्यादा ही टेंशन है, इसीलिए हम कल भी एक भी वीडियो नहीं बनाए थे। दोस्तों का बताएं आप बंधु, औरत की ज़िंदगी में पति के अलावा कोई नहीं रहता है, और हम आप लोग समझते हो, और हमें तो कोई और नहीं सहारा है एक उनको अलावा। उन्हीं का कुछ हो जाता है तो हम ज़्यादा ही कुछ टेंशन में हो जाती हूँ। इसलिए दोस्तों आप लोग पूरा वीडियो देखते होंगे, हमको कोई ऐसा साथ देने वाला नहीं है, लेकिन अभी के वीडियो भी देखे होंगे। हम जहाँ गई थी शिव कुमारी दीदी के घर, तो वहाँ बहुत खुश रहा करती थी, क्योंकि वहाँ बहुत प्यार दुलार मिलते थे। और यहाँ तो हम वहाँ 4 दिन ही रुके और अपना घर यहाँ। और देखिए अभी हस्बैंड जी कल बाहर जाने वाले थे, और वही रात से दर्द शुरू हो गया अचानक, कुछ भी नहीं था पहले से। यही बात को सोचती रहती हूँ कि जब भी बाहर जाने के लिए तैयार होते हैं, जब भी अचानक इनको पेट में दर्द हो जाता है। ये बात को लेकर मैं ज़्यादा ही कुछ टेंशन में रहती हूँ आजकल, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों भगवान हमारे साथ इतना बड़ा गेम काहे खेल रहे हैं, मैंने भगवान को क्या बिगाड़ी हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। मैं तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ी हूँ, बस घर का काम करती हूँ, सिलाई करती हूँ, किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करती हूँ, और अपना काम में व्यस्त रहती हूँ, वीडियो बनाती हूँ। उसको बाद यहीं पर मतलब अगल बगल में ही भी नहीं जाती थी, घर में ही वीडियो बनाती थी, सिलाई करती थी, घर के काम करती थी और वीडियो बना लेती थी। क्या कहें अब हम, यही सब, किसी से उतना बात भी नहीं, किसी का कुछ बिगाड़े नहीं है। और नहा धोवा के साफ सफाई करके भगवान को पूजा भी करती थी, आप लोग देखते हैं इतना क्या नहीं करती मैं, फिर भी इतना भगवान सता देते हैं। हमें दुख हो जाता तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे हस्बैंड जी ही कमा के मुझे इलाज करवा देते। और जब हमारे हस्बैंड जी की तबीयत ख़राब होता है, तो हम सोचती हूँ कि हम अभी घर के कन्या हैं, कहाँ जाएंगे, किसको से पैसा मांगेंगे, और कैसे हम कमाएंगे, कैसे इलाज करवाएंगे। तो दोस्तों कॉल आया था, इसलिए मैंने कट कर दी थी वीडियो। पूछ रहे हैं इनको से, जा रहे हैं मूंग के दाल में की खिचड़ी बनाने की। और दोस्तों देखिए, हम इनको से खेल भी नहीं सकते, अभी मन नहीं खुश रहता, इसलिए हम नहीं कुछ
इनको साथ बात करती। देखिए हमारे हस्बैंड जी अभी दिखाते हैं, थोड़ा सा ऊपर नहीं दे। देखिए यहाँ पर सोए हैं, अभी तुरंत पानी चढ़ा, रात भर सोए नहीं है इसलिए शायद इनको नींद आ रही होगी। तो दोस्तों हम फिर शाम को व्लॉग बनाएंगे तो मिलेंगे, क्या हमारे हस्बैंड जी का तबीयत ठीक होता है या नहीं, शाम को आप लोग से फिर हम बात वीडियो बनाएंगे, फिर आप लोग को कहेंगे। तो दोस्तों जब तक आप ही लोग वो एक हमारे अलग ही दुनिया है, आप लोग से दुख दर्द शेयर करती रहती हूँ। तो दोस्तों ढेर सारा प्यार दुलार दीजिए इस वीडियो को और लाइक कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट का इंतजार रहेगा। जब तक बाय बाय।